गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुरेश मैरडा। आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम नए वीडियो में जो भाजकता के अगले नियम है वो पढ़ेंगे। जैसे कल हम पढ़ रहे थे भाजकता के नियम, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि दो से भाजकता का नियम क्या है। दो से भाजकता का नियम ये बताया था आपको कि दो से भाजकता का नियम क्या बताओ। तो आपने बताया था यदि जिस संख्या का, यानी कोई भी संख्या है, संख्या का इकाई का अंक है, क्या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये इकाई का अंक है, वो क्या है, संख्या का इकाई का अंक, तब वह क्या है, दो से भाजित है। किसे? दो से विभाजित हो गई। फिर आपको बताया था मैंने तीन से भाजकता का नियम, तीन से भाजकता का नियम। अब तीन से भाजकता का नियम बताया था तो हमने क्या किया, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे आगे इसी क्रम में चलते रहेंगे। यदि तीन के पाड़े में जो आ रहे हैं, कहने या तीन थ्री की टेबल में जो आ रहे हैं, अब थ्री की टेबल तो 30 तक लिखते हैं, फिर भी आगे जैसे 33, 36, ये भी, यानी कहने का मतलब ये ध्यान में रहे, अंकों का योग किस क्रम में, 3, 6, 9, 12 में आए। फिर आपको बताया था अब पांच से भाजकता का नियम। अब पांच से भाजकता का जो नियम है उसके बताया क्या था कि जिस संख्या इकाई का अंक जैसे 0 वह 5। अब ये बात बता दी। अब यहां चार से भाजकता का नियम आपको नहीं बताया था, तो चार से भाजकता का नियम क्या है ये देखो। चार से भाजकता का नियम ये क्या है, ये नियम है दी गई संख्या के यानी इकाई व दहाई अंक, इकाई व दहाई के अंक में यदि चार का भाग जाता है तो पूरी संख्या में किसका चार का भाग जाएगा। अब ये स्थिति, जैसे आपकी एक संख्या है चार से भाजकता के, जैसे 9342। अब यहां देखिए, इसमें जैसे मैं ले लेता हूं आपको, ये आ गए जैसे मान लो 48 ये है। अब आपको क्या करना है कि इन दो लास्ट के इस दो डिजिट को देखने, किसको देखना है, 3000। अब अभी भी पता नहीं चलता है ना, नहीं पता चल रहा कि भाग कैसे जाए, तो यहां हम क्या करेंगे, इस संख्या में जरा देखिए कि जो लास्ट के टू डिजिट है, लास्ट के क्या है, टू डिजिट है, उस टू डिजिट में हम क्या करते हैं, टू डिजिट में यानी 48 में किसका भाग देते हैं, चार का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 फिर बच के 8, 4 दुनिया 8, 4, तो ये इसमें भाग जा रहा है, किसमें, 48 में भाग जा रहा है, तो 48 में भाग जा रहा है। तो यहां आप ये देखिए कि चार से जो भाजकता का नियम है उसमें क्या है, लास्ट की जो संख्या दे रखी है, लास्ट की संख्या दी हुई है, तो लास्ट की संख्या में आप क्या करोगे, लास्ट की संख्या में जैसे 9348, तो लास्ट की दो संख्या लोगे और लास्ट की दो संख्या में आप किसका दोगे, चार के भाग दोगे, तो 4 एकम 4 1 और यहां 8 तो 2। अब यहां कितने आ गए, 12 आ गए, तो इसका मतलब 12 में किसका भाग जाता है, चार बार, यानी 12 किससे विभाजित है, चार से विभाजित है, तो दी गई संख्या है वो भी क्या होगी, पूरी की पूरी किससे होगी, चार से विभाजित होगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 3, 4, 8, आप इसमें 4, तो 4 दूनी 8 बच के कितने, 1, 3, 3 चौक 12, तो यहां कितने आ गए, 3 बच के 1 ये आ गए। अब यहां कितने आ गए बोलो, ये आ गए 3 चौक 12 4 आ गए, सॉरी 3 आ गए, उसके बाद में बच के 2 और 7 चौक 28 ये 7। तो कहने का मतलब ये है, आपके बात समझ में आनी चाहिए बेटे, कि दी गई संख्या के लास्ट के टू डिजिट में आप यानी इकाई और दहाई के दोनों अंक लेंगे और दोनों अंक में किसका भाग देंगे, चार का भाग देंगे, और अगर उसमें चार का भाग जा रहा है,
उसमें चार का भाग जा रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या में पूरा चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो चार के भाज्यता के जो नियम में आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की जो दो नंबर है, सॉरी लास्ट के दो नंबर है, दी गई संख्या के लास्ट के दो नंबर है, यानी इकाई और दहाई, वंस और टेंस है ना, तो इकाई और दहाई इन दोनों में क्या है, अगर चार का भाग जाता है तो दी गई संख्या में क्या जाएगा, चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब यहां देखिए कुछ संख्याएं आप ऐसे भी और ले सकते हैं। अब यहां देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज का कि पांच से विभाजिता का नियम बताए, इस पांच से विभाजिता का क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो और पांच। अगर ये दो जीरो और पांच है, जीरो पांच इकाई है, देखते ही जैसे आप कोई कितनी बड़ी संख्या लिखो, ये अगर जीरो पांच है इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें पांच का भाग जाएगा। जैसे ये है ये और ये, इसमें इकाई का अंक क्या है, पांच है, तो इसका मतलब इसमें भी पांच का भाग जाएगा। तो यहां ध्यान देने की जो आपको जरूरत है वो ये है कि चार वाले में तो क्या लास्ट के दोनों डिजिट यानी इकाई और दहाई है, उसमें क्या करेंगे, अगर इकाई और दहाई को पूरी लेंगे और उसमें भाग जा रहा है तो चार का भाग जाता है, पांच का। अगर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जीरो और शून्य है, तो उसमें पांच का भाग जाएगा। और छह से भाज्यता का नियम आपको बताया था मैंने, क्या कि छह से भाज्यता का नियम यह बताया था, यदि वो संख्याएं दी गई संख्या, यदि क्या है, यदि दी गई संख्या, दी गई संख्या किससे, दी गई संख्या दो व तीन से विभाजित है, क्या है, दो व तीन से विभाजित है, तो वह संख्या किसे, वह संख्या छह से विभाजित होगी, वह संख्या किसे विभाजित होगी, छह से विभाजित होगी। ये ध्यान में रखें, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको उदाहरण 216, अब 216 में देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक छह है, ठीक है, अतः ये किसे है, ये टू से विभाजित है, किससे विभाजित है, टू से विभाजित है, ठीक है, ये बात आपके समझ में आई, ये संख्या किससे, टू से विभाजित है। और ये देखो अंकों का योग, दो प्लस एक प्लस छह बराबर नौ, नौ किसे, नौ किसके बारे में, नौ तीन के बारे में, यानी अंकों का योग नौ आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या तीन से भी क्या है, विभाजित है, तीन से भी क्या है, विभाजित है। अब देखिए अगर ये दो से भी विभाजित है, दो से भी विभाजित है और ये तीन से भी विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या छह से भी विभाजित होगी। ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक सम है, इकाई का अंक सम है, इसका मतलब दो से विभाजित है, फिर अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग कितना होगा, अगर अंकों का योग कितना है, तीन छह नौ बारह पंद्रह अठारह, इसका मतलब वो तीन से भी विभाजित है। और अगर दोनों से, दोनों शर्त पूरी हो रही है, जहां दो भी आ रहा है, दो से भी विभाजित हो रहे हैं और तीन से भी विभाजित हो रहे हैं, तो आप इस चीज को सोचेंगे कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो छह से भी विभाजित होगी। अब जो बात आ रही है आपकी सात से विभाजित, सात से विभाजित है वो कैसे, सात से विभाजित होने का मतलब आपको जो संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या सात से विभाजित, ये जो संख्या है, ये संख्या जो सात से विभाजित है, वो सात से विभाजित का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या ले लो, जैसे छह छह, और आपने जैसे यहां कोई संख्या और भी ले ली, ऐसी कोई संख्या जो सात से विभाजित है को, तो उसमें क्या है, ये आ गए, ठीक है। अब ये क्या है, आपको करना क्या है, सात से विभाजित का जो नियम है, सात से विभाजित का नियम में ये होता है कि लास्ट का जो नंबर, लास्ट का जो नंबर है उसको दुगुना करेंगे, क्या करेंगे, उसको दुगुना करके उस संख्या में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाकर जो लास्ट की जो संख्या बचती है उसमें हम क्या कर देंगे, जैसे एक आपको संख्या लिया 343, एक बात सोचिए 343 एक नंबर लिया है 343 से, अब हमें इसका पता लगाना है कि ये सात से विभाजित है या नहीं, तो 343 जो नंबर लिया है, तो इसका 343 343 का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है, यानी अंतिम अक्षर, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है तीन। अब तीन को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तीन को दुगुना करके माइनस दो गुणा तीन, अब इसका मतलब हो गया तीन और ये हो गया छह। अब 343 में से छह घटाएंगे कितने बचेंगे बताओ, 343 में से छह घटाएंगे
तो संख्या आएगी 339 कितने आएगी 337। अब देखो ये आ गए तो यहां आप देखें अब 337 में किसका भाग दोगे, सात का भाग दोगे। अब सात का तो 3 7 21, 7 4 28, तो यहां कितने बगे 343। 43 में से 6 घटाएंगे तो हाँ यहां देखो अब क्या इसमें भाग जाता है क्या, नहीं जा रहा है। देखो 7 4 28 4 और यहां कितने बचे 8 5 13 3 और यहां कितने आ गए ये 7। अब आप क्या करोगे इसमें भाग नहीं जाए तो फिर इसका आप क्या करोगे, लास्ट का डिजिट देखो 3 3 गुणा ये 7, इसमें से 2 गुणा 7 इसमें घटा दो तो 337 में से क्या घटाओगे 14 घटाओगे तो यहां बचेंगे 3 2 और कितना गए 3। और उसके बाद में इसका डिजिट करोगे दुगुना, दुगुना करके आप क्या करोगे 6 घटा दोगे तो इसमें से 6 घटाओगे 13 में से 6 घटे 7 1 और 2। फिर इसका तो ये क्रम चलता है कि लास्ट की जो संख्या आएगी वो अगर 7 से विभाजित है, अगर किससे विभाजित है 7 से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित 8 का जो विभाजित है 8 से जो विभाजित है उसका हम क्या करेंगे उसमें आप देखेंगे 8 जैसे आप एक एक संख्या इसमें और लिख सकते हैं 315। अब 315 7 से विभाजित है या नहीं, 315 संख्या 7 से विभाजित है नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे 315 है तो लास्ट का जो डिजिट है उसको आप क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 5 तो ये इसमें से 2 गुणा 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे 315 बाकी 10 तो अब यहां बच गए कितने, ये आ गए कितने बच गए बोलो 315 में से 10 घटा देंगे तो बचेंगे 310। अब 310 है क्या, 310 में सॉरी दुगुना करेंगे तो 315 में अगर भाग जाता है ये क्रम चलता रहेगा, ये क्रम क्या होगा चलता रहेगा तो इसका आप देख लेंगे थोड़ा सा जटिल है हालांकि आपके कोर्स में ये नहीं है 7 से विभाजित का। अबे 8 से विभाजित, 8 से विभाजित तो 8 से विभाजित का नियम क्या है, 8 से विभाजित का नियम है कोई भी आपको संख्या दे रखी है, अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उसके जैसे कोई भी संख्या है 4 5 6 7 इन ये जो है ये लास्ट के 3 डिजिट है, अगर ये संख्या, अगर ये संख्या 5 6 7 इस संख्या में अगर भाग जाता है किसमें, इस संख्या में अगर भाग जाता है किसका 8 का तो 8 7 56 मान लो यहाँ 8 ले लेते हैं ये 8 आ गया ठीक है, अभी काल्पनिक संख्या ले रहा हूँ तो 8 है तो 8 7 56 बचका 7 0 और ये 8 और 8 एकम 8। अभी ये इसमें भाग ये संख्या क्या है यानी 5 6 8 ये देखें ये संख्या क्या है, इस संख्या में यदि, इस संख्या में यदि क्या है क्या भाग 8 का जा रहा है तो दी गई संख्या में पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। तो यहां जो चीज दे रखे हैं अपने को ये देखो यहां, अब 7 से विभाजित का नियम समझ आ गया, तीन तो जैसे 315 का लास्ट डिजिट लिया था आपने क्या 7 से विभाजित में 315 तो 315 माइनस 2 गुणा कितने आ गए इसका लास्ट का 10 है ये इसका दुगुना करेंगे ठीक है, लास्ट के डिजिट को 5 से गुणा कर देंगे ये तो ये 315 में से क्या कट जाएंगे 305 बच जाएंगे। अब 305 तो 305 में क्या भाग जाता है ये देखो 7 का 7 4 28 नहीं जाता 7 4 28 बच गए कितने 2 नहीं। अब इसमें ये क्रम वापस चलता रहता है 3 तो इसका फिर दुगुना कर देते हैं इसको दुगुना करेंगे तो 3 गुणा कितना आ जाएंगे ये आ जाएंगे 5 गुणा 2 तो अब 305 में फिर 10 घटा देंगे ठीक है, उसके बाद में ये तो ये क्रम लास्ट में तो संख्या बचेगी 7 है तो ये थोड़ा जटिल प्रोसीजर है
तो जटिल प्रोसीजर, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है कि सात से विभाजित वाला लंबा चलता है, तो हमें देख कर ही पता लगा लेना चाहिए कि सात से विभाजित है या नहीं। हालांकि आपकी सिक्स क्लास में ये नहीं है, सिक्स क्लास में नहीं है, आठ से विभाजिकता नियम होगा। अब नौ से विभाजिकता क्या है, नौ से भाजकता का नियम क्या है, नौ से भाजकता का नियम। अब नौ से भाजकता का जो नियम है, नौ से भाजकता का जो नियम है, उस नियम को आप क्या करोगे, उस नियम को देखो, नौ से भाजित अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग। अब अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग नौ अठारह सत्ताईस है ना, ये आगे चलता रहेगा। अगर ऐसे योग आ रहे हैं है ना, इनके अंकों का योग नौ आ रहा है, नौ में नौ का भाग जाएगा, अगर अठारह है तो अठारह में नौ, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, नौ से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, नौ से विभाजित होगी। अब देखिए दस से विभाजित तो आपको पता ही, दस से विभाजित का मतलब क्या होता है, दस में तो अगर जीरो है, लास्ट का अंक क्या है, दस से विभाजित। दस से विभाजित का नियम क्या है, दस से विभाजित का नियम ये आपको पता है क्या है, दस से इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अंकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य, यानी शून्य है तो उसमें दस का भाग चला जाएगा, उसमें दस का भाग चला जाएगा। अब ग्यारह के जो भाजकता का नियम है वो क्या है, ग्यारह के भाजकता का नियम क्या है, ग्यारह के भाजकता का नियम। अब ग्यारह का जो भाजकता का नियम है उसमें क्या करना है आपको, ग्यारह का जो भाजकता का जो नियम है उसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी आपको जो संख्या दे रखी है, जो संख्या आपको दे रखी है 11 के भाजकता के नियम में, तो उसमें आप क्या करोगे, ये देखिए, ये जैसे कोई संख्या है 990, ये अब इसमें क्या होता है, इसमें इकाई के अंकों का सम अंकों का, यानी सम अंकों का योग, जैसे सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, इसको इससे जोड़ दो तो 9 प्लस 0, फिर अब इसमें कोई संख्या नहीं है तो 9 आ रहा है, और इसका भी कितना आ रहा है 9, अब इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 बाकी 9, तो ये 9 बन 9 बाकी 0, तो ये 0, यानी अंकों विषम अंकों का योग, इसका विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग। अगर विषम अंकों का योग क्या हो, विषम तथा सम अंकों का अंतर, विषम अंकों का योग व सम अंकों का योग, सम अंकों के योग के अंकों का योग, अंकों का योग। अब इन दोनों का अंतर क्या हो, जीरो और क्या हो 11, जीरो और क्या हो 11, ये ध्यान में रखा, जीरो और क्या हो 11, तो उसमें किसका भाग जाएगा आपका, किसका भाग जाएगा, नौ का भाग, सॉरी 11 का भाग जाएगा। यानी कोई भी संख्या आपको दी रही है उस संख्या में देखिए, जैसे 6 6 8 6 6 6 8 6 विषम संख्याओं और सम संख्याओं, तो ये देखो इसका योग 6 प्लस 8 बराबर कितने हो गए, कितने हो गए 14, और इनका यहां देखो ये विषम और इनका योग क्या है 6 प्लस 6 बराबर 12, अब इनका अंतर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है, इसे विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। तो यहां ध्यान देने की जो जरूरत है आपको वो ये है, आप एक कोई संख्या और लें, जैसे 63 92 10 63 92 10, अब इसका पता लगाना है कि ये क्या है, किससे भाग जाएगा, कि 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका देखो विषम अंकों का योग एक, ये देखो इनका योग, यानी विषम विषम अंकों का, अंकों का योग, विषम अंकों का योग क्या हो गया 6 प्लस 9 प्लस 0, तो 9 6 कितना हो गए 15, और सम अंकों का योग, सम अंकों का, अंकों का योग, सम अंकों का, यहां सम स्थान की बात हो रही है, अंकों का योग, अब ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 1, तो अब यहां कितने हो गए, ये देखो 5 रे कितने हो गए 6, अब इनका अंतर क्या है, इनका अंतर बराबर है 15 बाकी 6 बराबर कितने हो गए 11, ठीक है। अब 11 किसे, 11
डिवाइड होता है 11, जीरो आता है ना, कहने का मतलब 11 किससे विभाजित है, 11 11 से विभाजित। तो आपके इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो जीरो या फिर कितना है 11 अंकों का अंतर। तो 11 के जो भाजकता का जो नियम है, 11 के जो भाजकता का नियम है उसमें विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, यानी ये ध्यान में रखनी है। अब इन दोनों का अगर अंतर क्या आ रहा है, या तो जीरो है या 11 है, तब यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा आपको, ये 11 से विभाजित। तो अब आपको एक संख्या दे रहेगी, तो सबका पता लगाना है कि ये किससे, कोई भी आप काल्पनिक संख्या ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं 4, 3, 9, 7, 5 और 6, ये संख्या ले ले। तो अब यहां देखिए, ये सबसे पहले भाजकता, 2 से भाज्य है नहीं है तो आप लिखोगे है, 3 से भाज्यता है नहीं है तो इनके अंकों का योग करोगे, अंकों का योग करोगे 4, 3, 7, 7 और 9 कितने हो गए, 7 और 9 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, और 23 और 5 कितने हैं 28, 28 और 6 34, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर 4, तो 4 का विभाज्यता देखो, इसमें इन दोनों में 56 में किसका भाग जा रहा है, 56 में, ये देखो 56 है, तो 56 में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये 4 से विभाजित होगे। अब 5, तो 5 से, 5 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 6 का, अब देखिए 6 में जब 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। आपके कोर्स में अब 8 का है, तो 8 का देखो, इनमें देखो 8 का, अब इसमें जैसे 7, 5, 6, अब इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो 8 ने 72, 9 बार चला गया, बच के 3, 6, 8 चौक 32, तो इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या कर दोगे 0। उसके बाद में आप 9 का देखिए, अब 9 का इनका अंकों का योग फिर देखो कितना आया था, 4, 3, 7, 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28 और 28 से 34, तो इसमें अंकों का योग 9 उसमें नहीं आ रहा है ना, 9 के पाड़े में नहीं, तो 9 का भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 10, तो 10 में इकाई का अंक शून्य थोड़ी है, इकाई का अंक शून्य नहीं है, तो 10 का भी भाग नहीं जाएगा। आप क्रॉस चिन्ह लगा सकते हो, या हाँ या ना नहीं लिख सकते हो। आप देखिए इसके बाद में 11, इसके बाद में 11, तो सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग करके देखिए, आप सम स्थानों का योग करोगे, यानी पहले विषम स्थानों का योग कर लो, चलो तो विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, तो विषम स्थानों का अंकों का योग 4 प्लस 9 इसका, ठीक है, और प्लस के 5, तो अब ये कितने हो गए 9, 4, 13 और 5, 18। उसके बाद में इसका देखो है ना 3 प्लस 7 और प्लस के कितना गए 6, तो ये हो गए 16। अब अंतर कितना आ रहा है 18 बाकी 16 बराबर 2, तो इसका मतलब 2 में किसका भाग नहीं जाता है 11, इसमें 11 का भाग नहीं जाता है। यानी आपको ध्यान बताया गया था कि इसमें क्या आना चाहिए, या तो 0 या क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो ये भाजकता के जो आपके नियम थे, इस प्रकार से आपको पता लगाना है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते, हाँ नहीं और नहीं ऐसे और नहीं, अब ये ध्यान में रखने, ऐसे आपको टेबल बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में सिर्फ भाजकता के जो नियम कल बचे हुए थे, अब 7 के भाजकता का जो नियम बताया था कि लास्ट का जो डिजिट है उसको आप क्या करोगे, दुगुना करके उस संख्या में से घटा दो। अब ये क्रम चलता रहता है, तो उस चीज को हम ज्यादा, वो ज्यादा लंबा होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 7 के भाजकता के 6 क्लास में कोर्स में नहीं है, तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और कल आप अगर रहे तो बता देंगे, ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे 7 के विभाजकता का नियम आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपके 7 के विभाजकता का नियम बता देता हूं। तो 7 से विभाजकता का नियम है, वो आपको क्या है, जैसे 343 कोई संख्या है, अब 343 में जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का जो बता रहा हूं, देखो ध्यान से रखना कि 343 माइनस आप इसका, इससे क्या करोगे 343 के जो लास्ट के जो नंबर बच रहे हैं उनमें से आप इसका दुगुना करके घटा दोगे, तो 34, 34 माइनस 6 बराबर कितने हो गए 28,
34 माइनस 6 बराबर, अब 28 है, तो आप देखो 28 किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब 343 भी क्या होगा, 700 विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित का नियम यही है कि आप 7 से विभाजित का नियम है कि जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का जो डिजिट है उसको दुगुना करके जो लास्ट की संख्या बचती है उनमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे। जैसे 343 में से अब 3 का दुगुना 6 है, 3 का दुगुना क्या है, 6 है। अब 3 का दुगुना 6 है तो 343 में से आप क्या करोगे, 343 का नंबर इकाई का अंक 3 लोगे, और 3 से फिर क्या कर दोगे आप, 3 से फिर क्या कर दोगे, यहां देखा 3 से आप क्या करोगे, 6 हो गए, और 6 को 3 का दुगुना क्या करोगे, 3 का दुगुना 6 कर दोगे, और 6 को लास्ट के 34 में से घटाओ, 34 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 28, और 28 किससे विभाजित है, 28 किससे, 7 से विभाजित है। तो ये नियम आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 7 से विभाजित का जो नियम है उसमें आप क्या करोगे, जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को दुगुना करके लास्ट की जो संख्या बचती है उसमें से घटा दोगे, और बची हुई संख्या में यदि किसका भाग जा रहा है 28 का भाग जा रहा है, नहीं सॉरी 7 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित। और अगर ये संख्या बड़ी आ जाती है तो यही क्रम क्या है, निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। अब कल हम इसके गुणनखंड, सार्वगुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे।